नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत देश में लगी हिंदुत्व प्रचारकों की आंख और इस आग को बढ़ावा दे रहे हैं आरएसएस दल के धार्मिक जुनूनी। नफरत की ये आग जो धर्म के नाम पर लगाई जा रही है, अब इससे ना तो स्कूल बच सका, ना कॉलेज और ना ही यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक मुस्लिम महिला शिक्षा के लिए अपनी स्कूटी पर कॉलेज पार्किंग की ओर बढ़ रही है। इसी समय आरएसएस के धार्मिक जुनूनी जय श्री राम के नारों के बीच निहत्थी महिला पर ढाबा बोल देते हैं। अरे ये क्या, ये कमजोर दिखने वाली महिला तो डटकर खड़ी हो गई और इस धार्मिक जुनूनी दल को धूल चटा दी। ये है मोदी सरकार का सेक्युलर देश, ये है धर्म की आजादी। एक निहत्थी महिला पर जिस तरह इन धार्मिक जुनूनियों ने हल्ला बोला, क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं? ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कॉलेज शिक्षा के लिए नहीं बल्कि ऐसा अखाड़ा बन गया है जिसमें धर्म को सामने लाया जा रहा है। छात्रों में ये जहर कौन घोल रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। इससे पहले भी बहुत सी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां हिंदुत्व के प्रचारकों ने हल्ला बोलकर छात्रों के धर्म पर हमला किया और इन्हें चुनौती दी। और अब कर्नाटक में कॉलेज के बीचों बीच जो हुआ वो सारे विश्व ने देखा। मोदी सरकार होश के नाखून ले और देश में बढ़ती हुई धार्मिक जुनूनी आग को काबू करने और धार्मिक आजादी के लिए उपाय करे। मोदी सरकार को ऐसे धार्मिक जुनूनी जो धर्म के नाम पर बवाल मचा रहे हैं, इनके सर से अपना हाथ उठाना होगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाकर विश्व भर में संदेश देना होगा कि भारत वाकई सेकुलर देश है। खासकर शिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों को ऐसे जुनूनी दल से मुक्ति दिलाए। जय श्री राम के मुकाबले अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाली महिला मुस्कान खान जिस तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इससे इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि भारत की जो विश्व भर में जगह साई हुई वो इसी धार्मिक जुनूनी दल के कारण है। और ये सब मोदी सरकार के आशीर्वाद से हो रहा है। संभलना होगा, रोकना होगा इस बढ़ती हुई नफरत की आग को, वरना ये आग से सब जल जाएगा और कोई दूसरा इस आग को बढ़ावा देकर फायदा भी उठा लेगा। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं अपने दर्शकों के लिए गुप्त जानकारी।